हम 10 साल पहले नंबर 10 में थे, अभी हम नंबर 5 तक पहुंचे, पर हम वहां रुकने वाले नहीं। आज जो मैं चेंज देख रहा हूं, ये हर महीने, हर हफ्ते, हर कैबिनेट मीटिंग में जो चेंज होती, ये एक किस्म से क्रांतिकारी। डॉक्टर जयशंकर ने जो बातें कल की हैं, मैं उसका एनालिसिस करना चाहता हूँ थोड़ा सा। वो कह रहे हैं भाई कि दुनिया के अंदर जो है ना, वो ग्लोबल साउथ इमर्ज कर रहा है, दिस इज अ वर्ल्ड 2.0, यानी इंडिया स्लो डाउन होने का नाम नहीं ले रहा कि इंडिया जो है ग्लोबल साउथ इमर्ज कर रहा है, ठीक है, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में खुद को ढाल रहा है और 2.0 जो है वर्ल्ड ऑर्डर जो है उस पर अपने आप को ढाल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके स्टेटमेंट पर और इसके आखिर क्या सर्कमस्टांसेस हैं और क्या एलिमेंट्स हैं जो डॉक्टर एस जयशंकर ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट पास की? कौमियत नहीं होगी तो कौम तरक्की नहीं करेगी। कौमियत आपको, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, मोदी जी का मॉडल नहीं लाओगे। चाय वाला था वो तो भी चांद पे ले गया, वो समोसे वाले ले लो आप। जो दुनिया का जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो डोमिनेट किया हुआ ग्लोबल नॉर्थ ने, वो तनकीद कर रहे हैं अमरीका और बाकी दुनिया के ऊपर कि तुमने हर चीज पे कब्जा किया हुआ है। देखिए, इंडिया इज इन अ सच अ पोजीशन, दिस इज अ पार्टनर एंड बिकमिंग अ चैलेंज फॉर द वेस्ट। इनको अपने आस पड़ोस में देखना होगा कि किसके पास खाने को नहीं है। खुदा रहिए इस तरह करें आप, इंसानियत इसको समझने की कोशिश। ये पूरे मुल्क की 23 करोड़ आवाम चीख उठी है। जो भी आपके गली मोहल्ले में आस पास जिसके हालात खराब है, जो दो वक्त की खाना नहीं खा रहा, उसको पैसे ना दें, उसको खाने के लिए कुछ दें। ये इंडिया जो चाहता है वो री ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन हो गई है, वो कह रहे हैं री ग्लोबलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है, बायसनेस है, ये कल परसों एस जयशंकर ने इसको कॉल आउट की। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, आपने एस जयशंकर को तो इंट्रो में देखा ही होगा कि भारत आर्थिक जगत में सुपर पावर बनने जा रहा है, जिसको लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि एस जयशंकर हर देश के विदेश मंत्री जैसे नहीं है कि वो लंबी लंबी फेंकते हैं। वहीं एस जयशंकर तभी बोलते हैं जब कोई काम की बात होती है। तो एक बार फिर से एस जयशंकर ने सभी को बता दिया कि भारत ग्लोबली आर्थिक जगत में सबसे ज्यादा सुपर पावर बनने जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले जो आर्थिक जगत का सुपर पावर था वो अमेरिका था, उसके बलबूते सब कुछ होता था, लेकिन अब भारत सुपर पावर बनने जा रहा है और दिन प्रतिदिन भारत इतना ज्यादा सुपर पावर की तरफ आगे जा रहा है कि पूरी दुनिया इसको देखकर शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि हमारा पड़ोसी मुल्क भिखारी पाकिस्तान इसको लेकर काफी ज्यादा जल रहा है। वो कह रहे हैं भाई कि दुनिया के अंदर जो है ना, वो ग्लोबल साउथ इमर्ज कर रहा है, दिस इज अ वर्ल्ड 2.0, और वो कह रहे हैं कि 1945 के बाद जो है एक एवोल्यूशन आ रहा है ग्लोबल ऑर्डर में, ठीक है जी, और डीकोलोनाइजेशन हुई, बहुत कुछ हुआ, ठीक है जी, और अभी वो कह रहे हैं कि ये इंडिया जो चाहता है वो री ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन हो गई है, वो कह रहे हैं री ग्लोबलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। जो दुनिया का जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो डोमिनेट किया हुआ ग्लोबल नॉर्थ ने, वो तनकीद कर रहे हैं अमेरिका और बाकी दुनिया के ऊपर कि तुमने हर चीज़ पे कब्जा किया हुआ है। देखिए, इंडिया इज़ इन अ सच अ पोजीशन, दिस इज़ अ पार्टनर एंड बिकमिंग अ चैलेंज फॉर द वेस्ट। ये जो लोग वेस्ट में इंडिया को रीड कर रहे हैं ना, दे डोंट अंडरस्टैंड, बट इंडिया जो है ना वो अपनी मुझे लगता है आगे कटे रहे। दुनिया में आज तक ये होता है कि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वो प्रोड्यूसर रही हैं और ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रियाँ कंज्यूमर रही हैं। उन्होंने कंज्यूमर होते हुए एक ब्लैकमेलिंग का जो सिलसिला जो पिछले सिंस 1945 से चलता आ रहा है, प्लस ग्लोबल नॉर्थ की काफी कंट्रीज ने ग्लोबल साउथ की तकरीबन कंट्रीज को कॉलोनाइज किया, अटैक किया है, इन्वेड किया है, अलग अलग टाइमलाइंस पे, अलग अलग वक्तों में, अलग अलग तरीकों से। तीसरी चीज देखें, सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं वो सारे वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन हैं ग्लोबल नॉर्थ के। आप चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उठाएं, चाहे आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस उठाएं, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो बेंचमार्क सेट करने हो दुनिया में, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड हो, तो वो जो लॉज बनते हैं उनके अंदर इंस्टीट्यूशंस में, या वो जिस तरीके से काम करते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस कभी ना दुनिया की भलाई देखते हैं ना ग्लोबल साउथ की देखते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि क्या ऐसा किया जाए, क्या ऐसा लॉ या कोई क्या ऐसा काम किया जाए जिससे सबसे ज्यादा फायदा ग्लोबल नॉर्थ को। मजे की बात सुने, डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमने 125 ममालिक को डायरेक्टली सुना कि उनके क्या चैलेंजेस हैं और उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं, और कह रहे हैं हमने 125 ममालिक को सुन के G20 के अंदर वो सारे जो एजेंडा है उसके अंदर हमने चीज़ें रखी। एलो ए गेम पा गया जी, इंडिया पाकिस्तान में तो पता ही नहीं ना ये सुते नहीं, बिजली का बिल वाद हो गया, कट हो गया, किधर हो गया, इधर हो गया। इंडिया में भी बिजली जाती है, उधर भी बिल ज़्यादा आते हैं,
ठीक है, पर उत्थे जो बाकी तंत्र ने वो नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन वो जो पोलिटिकल तंत्र है, जो सियासतदान आ गया ना, उसको पाँच साल मिलेंगे वो सियाह करे सफ़ैद करे, ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वहाँ पर हैं। अब ये जिसे वो कहते हैं ना, ये हमें समझ आ रही कि इंडिया क्या सोच रहा है भाई। चाइना और इंडिया दोनों जियोपॉलिटिकल पोल्स हैं, ठीक है, दुनिया के तीसरा और चौथा जियोपॉलिटिकल पोल है चाइना और इंडिया, और दोनों ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, तो इनके पास वो ताकत भी है, वो वर्ल्ड में एक से भी है, इनके पास एक बैकिंग भी है इन एवरी टर्म, ये नहीं कि किसी एक तरीके से, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, डायस्पोरा के हिसाब से आप चले जाएं, ट्रेड के हिसाब से चले जाएं, कोई ऐसी क्रिटिकल चीज है उसके हिसाब से चले जाएं, इंडिया के पास हर वो चीज अवेलेबल है। इंडिया प्लस चाइना दो कंट्रियां हैं, ठीक है, तो आपकी से तो होगी ना, डेफिनेटली आपको पहले ताकत उतनी चाहिए, वो ताकत इंडिया के पास है, अब वो विजन होना चाहिए, तो लीडरशिप में वो विजन नजर आता है, विजन की तो हम बात करके हम लोग तो विजन के ही कायल हैं कि मोदी का विजन जो है वो ही एक अपने आप में अलग ही एक अलग पैराडाइम है, वो एक अलग दुनिया, अगर उनके फिर विजन को ही बैठ के हम समझने बैठ जाए, इंडिया की ग्रोथ को साइड पे करना कि वो किस लेवल पे सोचते हैं, तो उसके तो हम लोग कायल हैं। नॉर्थ है, इट इज इंडस्ट्रियली रिच, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड, पॉलिटिकली स्टेबल, फाइनेंशियली रिच, इंस्टीट्यूशनली स्ट्रांग, और यही सारी चीजें जो थी वो साउथ में ड्रॉबैक्स थी। सो उनकी ये जो बात है कि जो ग्लोबल साउथ है, अब देखें ये थी बातें करने वाली, इमरान खान इस्लामोफोबिया के पीछे पाया गया, इमरान खान इस्लामोफोबिया की बात करने लगे, बड़ा बातें तो ग्लोबल साउथ की करनी थी, तुम ये इस्लामोफोबिया की गाल कर देने इलेक्शन जीतने वास्ते, बात करनी थी ग्लोबल साउथ की जो डॉक्टर जयशंकर कर गया, और इमरान खान करने लग पड़ा जी इस्लामोफोबिया, वो भाई मुसलमानों की तर्जमानी जरूर करो, बट द क्वेश्चन रिमेंस कि हमारे चैलेंजेस और हैं, हमारे चैलेंजेस सारे दस जो है वो इकॉनमी है, वो सोशल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमें तो दुनिया से फायदे लेने हैं, इंडिया तो चलो ठीक है रौला चलो पा सकता है बिकॉज दे आर ऑन अ डिफरेंट स्ट्रीम। ग्लोबल साउथ का लीडर इंडिया बन चुका है, ठीक है, ऑलरेडी G20 में इंडिया ने ग्लोबल साउथ की बातें रखनी है, ग्लोबल साउथ का फोरम किया, जितने भी एजेंडा अगर ग्लोबल साउथ के इकोनॉमी और ट्रेड से रिलेटेड है वो सारे मुद्दे उठाए जाएंगे आपके G20 के इस बार फोरम में, ठीक है। इंडिया विल नॉट ओनली रिप्रेजेंट इटसेल्फ, इट विल आल्सो बी रिप्रेजेंटिंग 120 प्लस कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ एट G20 फोरम इन 2023 व्हिच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो मोदी जी ने 15 अगस्त को एक बात ये भी बोली थी कि वक्त बहुत जल्दी से बदल रहा है, दुनिया बहुत जल्दी से बदल रही है, ठीक है, अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने की शुरुआत हो चुकी है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया एक बहुत ही बड़ी और अहम भूमिका निभाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, इट डज मैटर कि आप जो है वो किधर हैं और क्या हैं, ठीक है, कि आप किधर हैं और क्या हैं, ठीक है, और कौन है, आपकी पोजीशन बड़ी मैटर करती है, टाइम लगता है ये, और लेकिन उसके पीछे जो डॉक्टर जयशंकर बोल रहे हैं उसके पीछे उनको पता है 140 करोड़ लोग बैठे होंगे, हम वो डायरेक्शन वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्या रहनी हो। अब वो कहते हैं कि जी हम ये शॉक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते, डेवलपिंग इकोनॉमी, वो ग्लोबल साउथ को बातें बता रहे हैं डॉक्टर जयशंकर कि हम ये शॉक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते जिस तरह दुनिया बाकी कर रही है। सो इंडिया के लिए वो बेसिकली जो डॉक्टर जयशंकर और मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है, दे आर फाइटिंग अ केस फॉर इंडिया इन अ डिफरेंट वे, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि ये जो पिछले कुछ अरसे में जो हुई है, हालात खराब हुए हैं, इसमें जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की वैल्यू बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर जल रहे हैं कि भारत आर्थिक जगत में सुपर पावर कैसे बनने जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले भारत बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है अपने मुल्क के ऊपर, और ये पाकिस्तान वाले अपने मुल्क के ऊपर कभी नहीं काम करते हैं, इसलिए इन भिखारी पाकिस्तान वालों की यही हालत हुई है। वहीं आपको बता दें कि भारत सुपर पावर बनने इसलिए जा रहा है कि भारत में एक अच्छे लीडर हैं, जिसके वजह से भारत सुपर पावर की ओर आगे जा रहा है। और हम बात करें हमारा पड़ोसी मुल्क भिखारी पाकिस्तान की, तो भिखारी पाकिस्तान सुपर पावर तो छोड़ो, अपने देश की आर्थिक स्थिति भी नहीं सुधार पा रहा है, क्योंकि इस समय जो पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति बनी हुई है वो काफी दयनीय है, लेकिन ये पाकिस्तान वाले इसको नहीं दिखाते हैं। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस समय बिजली के बिल को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रही है, लेकिन ये पाकिस्तान वाले इसको नहीं सुधार रहे हैं कि हमारा बिजली बिल कैसे सुधरेगा।
तो इकोनॉमी कैसे सुधरेगी। वहीं आपको बता दें कि हमारा देश यानी भारत इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि अब चौथा इकोनॉमी कंट्री बन गया है। वहीं इसके पहले एस जयशंकर का कहना है कि हमारा कंट्री था वो 10वें इकोनॉमी पर था, लेकिन हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक परिश्रम के कारण भारत अब चौथा इकोनॉमी कंट्री बन गया है। वहीं आपको बता दें कि अगर ऐसा ही रहा तो भारत सुपर पावर बनने जा रहा है, जिसको देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि हमारा पड़ोसी मुल्क इस पाकिस्तान इसको देखकर काफी जल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि पूरी दुनिया में अब भारत का राज होने वाला है, क्योंकि इसके पहले अमेरिका पूरी दुनिया पर राज करती थी और वो जिस तरीके से चाहता था कि उस तरीके से ग्लोबल को नचाता था, लेकिन अब भारत सुपर पावर बनने जा रहा है, जिसको लेकर पूरी दुनिया इस बात को लेकर शॉक्ड हो गई है कि भारत इतना ज्यादा आगे तरक्की कैसे कर लिया। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले भारत की स्थिति थी वो काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफी अथक परिश्रम किया था इसके लिए, जिसके बदौलत भारत तीसरा ऐसा इकोनॉमी कंट्री बनने जा रहा है और जल्द से जल्द भारत पहला इकोनॉमी कंट्री बनेगा, जिसको लेकर पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी कि भारत इतना ज्यादा तरक्की कैसे कर लिया। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।